हर साल की तरह इस बार भी पूसा इंस्टीट्यूट दिल्ली का मच अवेटेड कृषि मेला, पूसा कृषि मेला आयोजन 9 तारीख से किया जा रहा है। सर, इस मेले के क्या आकर्षण हैं टेक्नोलॉजी वाइज? कार्बन ऑफसेट का भी आपने बताया, क्या इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है? इस बार मुझे मालूम है कि कोरोना के बाद जस्ट इमीडिएटली बाद ये पूसा कृषि मेला एंटिसिपेट किया जा रहा है, बहुत इसके लिए चाहत भी है। इस बार का जो पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का है, मार्च 9 से लेकर मार्च 11 तक लगाया जाएगा और माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी इसका उद्घाटन करेंगे। मुख्य रूप से इस मेले में हम 5 विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित किए हैं, चाहे वो प्रदर्शनियाँ हों या तकनीकी सत्र हों। उसमें पहली चर्चा हम करेंगे स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में, दूसरा एग्री स्टार्टअप और फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस को किस तरह से बनाएं और किस तरह से किसान भाई इसका लाभ उठा सकें, तीसरा संरक्षित खेती, वर्टिकल फार्मिंग, एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, इसके ऊपर विस्तार में चर्चा की जाएगी, और चौथा विषय होगा ऑर्गेनिक खेती या जैविक खेती, इसको किस तरह से हम अपना करके और किसान भाई इसका फ़ायदा उठाएं और लाभ उठा सकें और जो भी उत्पाद उनका होता है वो सुरक्षित हो, उसमें कोई रसायन मुक्त उत्पाद जो है पैदा कर सकें। इसके बाद हम 5वीं चर्चा का विषय हमारा होगा कृषि निर्यात को किस प्रकार हम बढ़ाएं। तो ये 5 मुख्य विषय होंगे जिस पर मेला केंद्रित होगा और साथ ही साथ माननीय मंत्री जी के द्वारा एक पूसा एग्री कृषि हाट का भी उद्घाटन किया जाएगा। इसके अंदर जितने हमारे फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिविजुअल फार्मर्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, स्वयंसेवी जो संगठन हैं, महिलाएं हैं, बहुत सारा उत्पाद बनाती हैं कृषि क्षेत्र में, ताज़े फल सब्जी जो किसान NCR रीजन में पैदा करेंगे वो ले आ करके हाट के अंदर जो है बेच सकते हैं, उसकी एक प्रक्रिया हम विकसित करेंगे। और रही जहाँ तक बात आपने कार्बन क्रेडिट की, तो आप जानते हैं कि हमारे ज़मीन के अंदर सघन खेती के चलते जो ऑर्गेनिक कार्बन है वह करीब 0.4-0.5% कई क्षेत्रों में उतना कम हो गया है, जबकि एक स्वस्थ मृदा के लिए इसकी मात्रा 0.8-1% के आसपास होनी चाहिए। तो अगर हम कार्बन की मात्रा को ज़मीन के अंदर बढ़ाना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम ज़मीन के अंदर बायोमास जितना ज़्यादा से ज़्यादा मिला सकें, चाहे वो हरी खाद के रूप में हो, ढैंचा हो, सनई हो, या फिर आपका जो है गोबर की खाद हो, कंपोस्ट की खाद हो, वो मिलाएं, या जो फसल के अवशेष होते हैं उसको उसके अंदर मिलाएं। तो अगर फसल का अवशेष, जैसे धान की पराली की बात होती है, 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में अगर धान की पराली को जलाया जाता है तो उससे 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट पोल्यूशन जो है वातावरण में जाता है। अगर उसी पराली को जो करीब 5-6 टन के आसपास 1 हेक्टेयर में होती है ज़मीन में मिला दिया जाए और हमारे संस्थान द्वारा विकसित पूसा डिकम्पोजर छिड़काव कर दिया जाए तो वो सड़ गल करके खेत में मिल जाती है, उसे जो है कार्बन की मात्रा ज़मीन में बढ़ती है। और 1 हेक्टेयर में मिलाई गई पराली के द्वारा 1 कार्बन क्रेडिट किसान जो है कमाएगा, और ये 1 कार्बन क्रेडिट जो है करीब करीब $20 के आसपास, यानी कि 1400 रुपये के आसपास में बिकेगी, और उसके खरीदने वाले बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसको खरीदेंगी। तो इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, कई निजी क्षेत्र की कंपनी, एक ग्रो इंडिगो है, उसके साथ मिलकर के काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसके आशातीत परिणाम आगे आएंगे। रही जहाँ तक बात कोरोना की, तो कोरोना का भय अभी डर पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है और हमारा हमेशा किसान भाइयों से अनुरोध रहा है कि कोरोना की सारी गाइडलाइंस जो हैं उनको अक्षरशः पालन करते हुए हम मेले का आयोजन करेंगे। आप अपना मास्क लेकर के आइए और इसके साथ साथ कोशिश ये करिए कि आप जिस दिन मेला देखने आते हैं शाम तक उस दिन वापस चले जाएं, क्योंकि रुकने की व्यवस्था नहीं की गई है। और एक गांव से अगर मान लीजिए 100 किसान आना है तो वो 30 किसान एक दिन 30, दूसरे दिन 30, तीसरे दिन आएँ, ताकि 3 दिन में बंट करके आएंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। और इस बार जो है हम लोग अपने संस्थान के द्वारा विकसित बासमती धान की जो नई किस्में आई हैं उनका बीज सीमित मात्रा में किसान भाइयों को उपलब्ध कराएंगे और बाकी जो पुरानी किस्में हैं उनका बीज तो मिलेगा ही मिलेगा। ड्रोन टेक्नोलॉजी कृषि में आपने कहा कि अब बहुत ही माइक्रोस्कोपिक यूज़ हो सकता है ताकि कीटनाशक का हम उसके निजात पा सके। ड्रोन टेक्नोलॉजी कृषि के लिए कितना बड़ा वरदान साबित हो सकता है और इसमें कितना एडवांसमेंट हो रहा है जो आप लोग देख पा रहे हैं?
आमतौर पर जब ड्रोन की बात की जाती है तो एक अवधारणा बनी हुई है कि ड्रोन का प्रयोग जो है दवा के छिड़काव के लिए किया जाएगा और उससे लेबर की बचत होगी और बहुत कम समय में ज़्यादा क्षेत्र को हम कवर कर सकते हैं। एक ये उपयोग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दवा का छिड़काव करने के लिए, न्यूट्रिएंट का छिड़काव करने के लिए, जैसे नैनो यूरिया आया है, अगर नैनो यूरिया का बड़े पैमाने पर छिड़काव करना है तो ड्रोन के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ जो है इनपुट एप्लीकेशन के अलावे इनपुट मैनेजमेंट में ड्रोन का बहुत बड़ा उपयोग है। जैसे मान लीजिए कि अभी हम जो सॉयल हेल्थ कार्ड, हमारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड बन रहा है, वो हम लैब में मृदा सैंपल ले आते हैं, उसका परीक्षण करते हैं वेट लैब से, इसके बाद हम उसको बताते हैं कि इसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है। लेकिन अब ड्रोन और सेंसर के माध्यम से, ड्रोन में लगे सेंसर के माध्यम से हम सॉयल का मैप डिजिटल तैयार कर सकते हैं, किस खेत में कौन से पोषक तत्व की कितनी मात्रा है इसको हम निर्धारित कर सकते हैं, और उस मैप को हम इसके अंदर जब फीड करेंगे तो उसके हिसाब से जब साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना होगा कि कहीं कौन सा एरिया है जहां पर नाइट्रोजन की कमी है, तो ड्रोन नैनो यूरिया का छिड़काव उसी क्षेत्र में करेगा, पूरे खेत में नहीं करेगा। उसी तरह से जब हम खेत में बीमारियां लगती हैं, कीड़े लगते हैं, तो आमतौर पर किसान को ये पता चलने में इतनी देर हो जाती है कि उसके बाद दवा का छिड़काव करने से कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता और नुकसान हो जाता है। तो उसको बचाना अगर है तो बायोसेंसर के माध्यम से ड्रोन का प्रयोग करके हम खेत में चारों तरफ घुमा करके उसको देख सकते हैं कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर कीड़े लगे हैं, कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर बीमारियाँ लगी हैं, और फिर उसके आधार पर उन्हीं क्षेत्रों में अगर हम छिड़काव करते हैं तो दवा की मात्रा हमारी जो है 1/10, 1/20 हो जाएगी, कम हो जाएगी। इससे हमारा खर्चा भी बचेगा और जो उत्पाद में अवशेष आते हैं रसायनों के, उसमें भी बहुत बड़ी कमी आएगी, तो उत्पाद का उचित मूल्य हमको मिलेगा और उत्पादन भी बढ़ेगा। तो इसमें अपार संभावनाएं हैं ड्रोन के प्रयोग की कृषि के क्षेत्र में। आपका संस्थान फल, फूल और सब्जी को भी एक नए रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है, नए बीज विकसित किए जा रहे हैं, मोर इन्हेंस एरोमा वाले फूल भी विकसित कर रहे हैं। क्या ये डबलिंग ऑफ फार्मर की ओर भारत सरकार के निर्देशानुसार आप इस पर एक फोकस्ड अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं? निश्चित रूप से, देखिए हमारा जो सरकार का भी लक्ष्य है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 है, जो कि जीरो हंगर गोल है, तो इसमें तो एक तो हमको जो है पोषण पर्याप्त हो, इस दिशा में कार्य करते हुए हम लोग जो है बायोफोर्टिफाइड किस्मों का विकास हर क्षेत्र में कर रहे हैं। दूसरा, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए किस प्रकार से हम फसल विविधीकरण करें और उसमें कौन कौन सी नई फसलें या नई प्रजातियां लेकर के आएँ जिनके बिक्री से किसान ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। उसी क्षेत्र में जैसा कि मैंने बताया, आपने गुलाब की किस्म की बात की, गुलाब की खेती अभी तक जो है संरक्षित खेती की जाती है, उन गुलाबों के अंदर जो है खुशबू नहीं होती है। जो हमने अभी पूसा अल्पना किस्म गुलाब की विकसित की, इसमें काफ़ी अच्छी खुशबू होती है और ख़ासकर माला बनाने के लिए बहुत अच्छा प्रयोग होता है, तो इसका खेती करके किसान भाई लाभ उठा सकते हैं। फूलों की खेती में भी अच्छा फ़ायदा मिलता है, इत्र का बाज़ार काफ़ी बड़ा है, जैसे आप देखते हैं कन्नौज के पास जो है तो गुलाब की खेती पूरी दुनिया में जो है वहाँ पर खेती होती है और पूरी दुनिया में हमारा इत्र जाता है। तो ये सारे आयाम हम निश्चित रूप से इस दिशा में काम कर रहे हैं कि किस प्रकार से किसानों की आमदनी हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। एक आखिरी सवाल, पूसा के तीन चावल, पूसा बासमती के तीन चावल के प्रोडक्ट 90% से भी ऊपर भारत में इसकी पहुंच हो चुकी है, इसका श्रेय आपको भी जाता है क्योंकि आपने इस पे बिगनिंग से काम किया। कितना आशान्वित हैं कि इससे पूसा जो बासमती है वो विदेश में और इसका एक्सपोर्ट हो और इससे भारत के किसान और भारत के एक्सचेकर में भी इजाफा हो? यह एक टीम वर्क है, हमारे साथ बहुत सारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं, सब लोग मिलकर के साथ काम कर रहे हैं और इसका एक जो नींव पड़ी है, इतनी मजबूत नींव पड़ी है बासमती अनुसंधान की संस्थान में, और इसके नींव की शुरुआत जो है डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा की गई थी, उसके बाद डॉक्टर सिद्दीक, डॉक्टर बीपी सिंह, डॉक्टर जमन और हम लोग उस क्रम में आगे काम कर रहे हैं। अभी जो समस्या बासमती की सबसे बड़ी रही वो ये रही है कि रासायनिक दवाओं के प्रयोग के चलते खासकर झोंका रोग यानी ब्लास्ट की बीमारी के नियंत्रण के लिए ट्राईसाइक्लाजोल एक फफूंदनाशी दवा का प्रयोग होता था, या तेला या चेपा के नियंत्रण के लिए कुछ दवाएं प्रयोग की जाती हैं, जिनके अवशेष होने से यूरोपियन यूनियन में विशेष रूप से और अब सभी जगह पूरे जितने विश्व बाजार है सभी लोग इस चीज़ को लेकर के चिंतित हो रहे हैं कि दवाओं का अवशेष जो है खाद्य पदार्थों में नहीं हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने
तीन किस्में विकसित की हैं जिनके अंदर झोंका और झुलसा रोग नहीं लगता है। इसके अंदर रोगरोधी क्षमता का विकास किया गया है। कुछ ऐसी प्रजातियां थीं जिनके अंदर रोग नहीं लगता था, उन जीन्स की पहचान करके इनमें हम नई किस्मों में डाले हैं, जिसमें पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1885 और पूसा बासमती 1886, ये तीन नई किस्में हैं जो कि क्रमशः पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1121 और पूसा बासमती 1401 इन तीन पुरानी किस्मों को स्थानांतरित करेंगी और इनकी खेती में फिर किसान को दवा छिड़कने की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए खर्चा बचेगा और इनका चावल जब उत्पादित होगा तो उसमें अवशेष भी दवाओं का नहीं आएगा, विश्व में अच्छा बाज़ार में इसका दाम मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे डॉक्टर ए के सिंह, ही हैज़ बीन टॉकिंग अबाउट द एग्रीकल्चर फार्मर्स गेट टुगेदर पोस्ट कोरोना, बट मोर इम्पॉर्टेंट फार्मर्स विल बी अर्निंग लॉट मोर, डबलिंग द फार्मर्स इनकम के लिए ये संस्थान कृत संकल्प है। विद कैमरा पर्सन उदय नेगी, प्रणव प्रखर रिपोर्टिंग फॉर विजन टेलीविजन वर्ल्ड।